हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो मेडिकल वाला। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं फोलिक एम टैबलेट के बारे में। तो प्रेगनेंसी में इस फोलिक एसिड को बहुत ज़्यादा दिया जाता है, और प्रेगनेंसी में ही क्यों ये टैबलेट दी जाती है फोलिक एसिड की, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि और किस परेशानी में इसको दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड देख सकते हो इस तरह की पैकिंग होती है इसकी, और उसका जो ब्रांड नेम है वो आपको बता दिया है फोलिक एम। इसके अंदर में 30 टैबलेट आपको मिल जाती है एक स्ट्रिप के अंदर में, और एलकेम के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एलकेम के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। यहाँ पे इसका एमआरपी आपको मिलता है 90 रुपये। इसके अंदर जो फोलिक एसिड होता है वो होता है 5 mg, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आइए बात करते हैं फोलिक एसिड टैबलेट के बारे में। तो फोलिक एसिड जो है ये विटामिन बी होता है, जो कि बहुत सारी परेशानियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं किस किस परेशानी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो खून से संबंधित कई तरह की परेशानी में, ये हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल की मात्रा को बढ़ाता है, इसके अलावा खून की कमी को पूरा करता है, इसके अलावा चक्कर आना, थकान होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होना, इस तरह की समस्याओं को ठीक करता है। इसके अलावा छालों की समस्या में भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि मुंह में किसी व्यक्ति को छाले हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन बी के कारण ही होते हैं, तो उसमें भी इसको दिया जाता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके अलावा बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में ही क्यों दी जाती है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में ये दी जाती है, ये जो बच्चे की न्यूरल ट्यूब होती है उसको उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चे की जो मेंटली हेल्थ है वो काफ़ी वीक होगी, उसका दिमाग भी काफ़ी वीक होगा, इस तरह की परेशानियां दिखने को मिल सकती है, और बच्चे में मैच्योरिटी की भी कमी दिख सकती है। तो ये परेशानियां होती है। इसके अलावा महिलाओं को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे, तो इस वजह से इन परेशानियों का सामना ना हो तो इसीलिए फोलिक एसिड टैबलेट चलाई जाती है कि किसी तरह की कोई कमजोरी ना हो। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल इस तरह की परेशानियों में किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जाने तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखने को नहीं मिले हैं। और इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है वो ज़्यादातर एक टाइम ही दी जाती है, सुबह के टाइम पे, बाकी की कंडीशन के हिसाब से किसी किसी को 2 टाइम भी लेने की सलाह भी दी जाती है। और इस वीडियो में इतनी थी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।